राजीव है और मैं राजेश डायमंड सेंट जॉन से बोल रहा हूँ। आज हम अपने इस श्रृंखला में पुखराज की बारे में बताएंगे आपको, पुखराज के जेमस्टोन्स के बारे में पूरा डिटेल देंगे आपको। मैं चाहता हूँ आप हमारे इस वीडियो को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और लाइक करने से क्या होता है कि वीडियो स्प्लिट होता है और इसको ज़्यादा लोग देख पाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पुखराज के बारे में। पुखराज जो है वो बृहस्पति का स्टोन होता है और बृहस्पति जिसका बृहस्पति वीक हो वो उसको ये पहनना चाहिए, लेकिन किसी किसी कंडीशन में ये नहीं भी पहना जाता। अगर 6-8-12 में घर में बैठा हो पुखराज, बृहस्पति बैठा हो, तो उसको नहीं पहनते हैं। हाँ, एक कंडीशन में फिर भी पहन सकते हैं, अगर बृहस्पति 6-8-12 में उच्च का हो और सूर्य के साथ अस्त हो तो उसको पहना जा सकता है। पुखराज दो तरीके के माइंस के आते हैं, एक होता है बैंकॉक के माइंस का, एक होता है श्रीलंका माइंस का। बैंकॉक माइंस का पुखराज का कलर डीप कलर होता है और श्रीलंका माइंस का कलर थोड़ा लाइट कलर का होता है और महंगा होता है। श्रीलंका माइंस का ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कोशिश करके श्रीलंका माइंस का पुखराज पहने, बैंकॉक माइंस का पुखराज का रिजल्ट भी मिलता है। हम लोग जेम का सजेशन भी देते हैं आपको, कौन सा जेम्स पहनना है, पुखराज करना है, नीलम करना है, वो हम सजेस्ट करते हैं। इसके बारे में आप नीचे हमारे लिंक में देख सकते हैं। हमारे मिनिमम चार्जेस रखे हैं जो पे करके अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस डाल के हमसे इसके बारे में सजेशन ले सकते हैं, क्या सूट करेगा एग्जैक्ट आपको बताएंगे। आज हम बात कर रहे थे पुखराज की। पुखराज की जो लैब रिपोर्ट होती है वो ज़रूरी होती है, तभी वो जेन्युइन पुखराज जाना रहेगा। इसकी ग्रेविटी होती है 4.0 होती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.76। जो भी हम जेम स्टोन देते हैं सबका सर्टिफिकेट साथ में देते हैं और उसका उसी अच्छे पुखराज का रिजल्ट तभी मिलेगा जब वो ओरिजिनल हो। ये आप देख रहे हैं पुखराज, ये श्रीलंका का पुखराज है। इसका कलर थोड़ा लाइट होता है, इसमें रेशा भी आता है। रेशा ऐसा नहीं कि रेशा आया तो ख़राब हो गया, रेशा से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये जेन्युइन की पहचान है। लेकिन जितना रेशा कम होगा उतना महंगा होता है वो, और उसका रिजल्ट कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर मिलता है। ये बैंकॉक माइन का पुखराज है, इसका कलर थोड़ा डीप होता है, इसका रिजल्ट भी अच्छा मिल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं, थोड़ा सस्ता होता है। पुखराज जो सा है वो कई रीजन से पहना जाता है, ये प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ के लिए पहना जाता है और गर्ल्स की मैरिज के लिए पुखराज बहुत अच्छा पहना। पुखराज जो सा है बृहस्पति का लग है, बृहस्पति ज्ञान का देवता है। तो पुखराज पहनने से हम लोगों को डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलता है और हमारी विल पावर बहुत बढ़ती है। जिसकी विल पावर कम हो उसको पुखराज पहनना चाहिए। गर्ल्स की मैरिज के लिए टॉप माना जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे, हमने बहुत अच्छा रिजल्ट देखा लोगों को इसका। और इसको फर्स्ट फिंगर में पहना जाता है, सोने में पहना जाता है, इसको चांदी में नहीं पहनते हैं। अगर सोना अफोर्ड नहीं कर सकते पुखराज ओरिजिनल पहने, पंच धातु में बनवा लें, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जरूरी नहीं कि आपने सोने पे खर्च करना है, पंच धातु बनवा के पुखराज ओरिजिनल पहने, उसके सब्स्टिट्यूट सुनहरा पहनने से रिजल्ट कम मिलता है। कई लोग सुनहरा पहन लेते हैं और सोने पहन लेते हैं, उसका फ़ायदा नहीं है। पुखराज पहने, भले अच्छे धातु में पहने, उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो जब भी आप उस जेम स्टोन चाहिए आप हमारी शॉप पर आइए, आपको सारे जेम स्टोन विद लैब सर्टिफिकेट मिलेंगे, पूरा आपको डिटेल मिलेगा, पूरी वैरायटी हमारे पास है। 99.9% आप अपने यहाँ से खाली ले जाएंगे, आपको पसंद आ जाएगी क्वालिटी, सारी रेंज मिल जाएगी। पुखराज 1000 रुपये रत्ती से स्टार्ट हो जाता है और 15000 रुपये रत्ती तक की रेंज में क्वालिटी के हिसाब से आता है। आप अपने बजट के अनुसार पहने, रिजल्ट में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, तो अपना बजट देख के आप ओरिजिनल पुखराज पहने। जब आपको रिजल्ट अच्छा लगे तो उसको अपग्रेड कर सकते हैं। सुबह 12 बजे से पहले पहनना है आपको, मंत्र पढ़ के पहनना है, 108 बार मंत्र पढ़ना है। जो कि मंत्र हम आपको देंगे, गंगा जल से धो के या कच्चे दूध से धो के या मंत्र पढ़ के पहनना है, तभी इसका रिजल्ट मिलेगा। और आप हमारी शॉप पे आइए जो कि जनकपुरी में है, सीपुरी डीडीए मार्केट में है, September 32। यहाँ आपको सारी वैरायटी मिलेगी, जेम स्टोन्स की फुल रेंज मिलेगी, स्टार्टिंग से लेके अच्छी टॉप रेंज तक हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, विद सर्टिफिकेट, विद लैब रिपोर्ट आपको देंगे। किसी के धोखे में बताइए, विद लैब रिपोर्ट लीजिए, रीजनेबल लीजिए, जयपुर जाने की कोई ज़रूरत नहीं।